बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था तो इसके साथ ही मैंने कहा ज़रा ज़बरदस्ती एक वीडियो भी डालूं, जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है वैसे यूट्यूब पे और हर जगह पे रिव्यू लोगों को चाहिए होते हैं। ये है जी मेरे FW ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स जो मैंने दिसंबर में आई थिंक ऑर्डर किए थे। ये पूरी एक फेशियल किट है, इसके साथ मैंने ऑर्डर किया था एक रोज़ क्ले मास्क और साथ मैंने शिया बटर मॉइस्चराइज़र ऑर्डर किया था जो कि है हैंड एंड फुट क्रीम है शायद। तो जी सबसे पहले हम इनकी पैकेजिंग की बात कर रहे थे। पैकेजिंग जैसी ये देखिए, ये एक इन्होंने ब्लॉगर को भेजी थी पैकेजिंग, और इस पैकेजिंग में और जो मुझे पैकेजिंग रिसीव हुई थी उसमें बड़ा डिफरेंस है। और इसकी कंप्लेन काफ़ी सारे और भी लोगों ने की हुई थी इंस्टाग्राम पे, जैसे फिजाली दीवान, उनको भी काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट से मसला था। तो जी इनकी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े हाइप्ड हैं पर इतना उनमें नहीं है। मैंने फिजाली दीवान की स्टोरी देखी थी, उनका क्लिंजर है कोई ट्यूब्स में जो आते हैं दो चीज़ें, मेकअप रिमूवर है शायद, उससे भी कोई ज़बर उनका नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, उन्होंने मुझसे ही पूछा था। तो मैंने जो है ना ये फेशियल किट यूज़ किया, मुझे इनकी फेशियल किट अच्छी लगी है। मैं अगर आपको बोलूँ तो फेशियल किट आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बेशक आप लेना चाहते हो तो ज़रूर आप इसमें इन्वेस्ट करो। अच्छा, इसको मैंने एज एन मैनीक्योर पेडीक्योर भी यूज़ किया है तो मुझे काफ़ी डिफरेंस लगा है पाँव में, क्योंकि मेरे जो है ना स्लीपर्स की वजह से ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो गए थे पाँव पे, तो वो मुझे काफ़ी लाइटन लगे हैं इससे। और अच्छा, ये 5 स्टेप का ये पूरा फेशियल किट है, और मुझे इसका क्लिंजर, मुझे इसका एप्रिकॉट और सारा जो है ना बहुत ही माइल्ड लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही माइल्ड है ये इसका जो फेशियल है। तो जी साथ में इसका शिया बटर मॉइस्चराइज़र है और वो जो चीज़ है उसकी बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले आ गया जी इसका रोज़ क्लिंजिंग मिल्क, रोज़ क्लिंजिंग मिल्क है। अच्छा, ये भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है आपकी स्किन पे, और इसको मैंने ना डेली एज अ फेस वॉश टाइप का या क्लिंजर टाइप का मैंने इसको यूज़ किया है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए होती है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और मैंने इसे वीकली एज अ फेशियल भी यूज़ करके देखा है तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं फेस पे। और फेस से ज़्यादा जो है ना मुझे अपने हैंड्स एंड फुट पे मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मतलब फीट एंड हैंड्स पे मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ अपने मैनीक्योर पेडीक्योर करने के बाद। और इसका जो स्क्रब है ना ये बहुत माइल्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो ये जी आप इसका मास्क देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट से और बहुत ही छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं इसके, बिल्कुल भी आपकी स्किन पर हार्शली काम नहीं करते, बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। तो पता नहीं क्यों ये मेरी रिंग लाइट की लाइट येलो हो गई है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें बहुत ही माइल्ड है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत माइल्ड सा स्क्रब है, इसे आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन केयर में। तो मुझे इसकी फेशियल किट बहुत अच्छी लगी, और सबसे जो बेहतरीन मुझे इसकी चीज़ लगी है वो ये है जी इसका 3rd स्टेप, ये मसाजिंग क्रीम है। इसको मसाजिंग क्रीम को मैं एज अ स्किन मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर चुकी हूँ सर्दियों में, और ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मुझे इसके बाद जो है ना अपनी स्किन बहुत ही प्लम्प और बहुत ही सॉफ्ट लगी, और मुझे कोई और मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, मैंने भी लगा दिया। तो ये है जी इसका, ये पीची कलर का इसका मॉइस्चराइज़र है, विटामिन ई के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मतलब मैं पहले इनकी लिस्ट का पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र यूज़ करी थी, वो फिनिश हो गया तो फिर मैंने ना ये फेशियल किट मंगवाया हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया, बस एक्सटेंडली मैंने यूज़ कर लिया और उसने कमाल का मुझे रिज़ल्ट दिया। मुझे पूरी सर्दियाँ जो है ना कोई भी चीज़ मुझे और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना ज़बरदस्त इसने काम किया। तो मेरी तरफ से फेशियल तो 100% रिकमेंडेड है, बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल है ये। अच्छा, इसकी स्किन पॉलिशिंग की भी आजकल बड़ी धूम मची हुई है, वो भी जो है ना काफ़ी सारे ब्लॉगर्स इसको भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो वो तो मैंने यूज़ नहीं किया पर जो मैंने चीज़ यूज़ की है वो देख लेते हैं। अच्छा, ये 5th स्टेप है जो मैं पहले दिखा रही हूँ, मैंने 4th स्टेप रख दिया था। ये इसका सूदिंग क्रीम आप बोल सकते हैं, एलोवेरा के साथ है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये आपकी स्किन में इतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि आपको फील ही नहीं होता कुछ लगा हुआ है या कुछ हैवीनेस। ये इसका मास्क है, मास्क भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही माइल्ड है, मतलब बहुत ही माइल्ड इन्होंने बनाया है ये फेशियल पूरा। तो ये एज अ मैनीक्योर पेडीक्योर और एज अ फेशियल बहुत ज़बरदस्त काम करेगा आपको, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस मुझे इनकी पैकेजिंग से बहुत इख्तलाफ है कि ये कस्टमर को पैकेजिंग वैसी नहीं देते जैसे ये लोग व्लॉगर्स को भेजते हैं, फेमस व्लॉगर्स को। अच्छा, अब इसकी जो है ना आप इसकी भी पैकेजिंग देख लें, ये जो इसका
है, मॉइस्चराइज़र जो है जो बड़ी जिसकी हाइप है, सर्दियों में हर एक यूज़ कर रहा होता है। मैंने सना आबिद को सबको देखा है। अच्छा, ये जो रोज़ क्ले मास्क है इसकी बात करते हैं, ये मेरे पास जैसे ही आया था 1 वीक या 2 वीक के अंदर अंदर इसके ऊपर पूरा फंगस आ गया था। तो ये जो है ना, मतलब मैं समझने से मेरे बाहर थी बात कि इसमें फंगस क्यों आ गया है। तो ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, रोज़ क्ले मास्क इसका बहुत ही बुरा है। और ये ही चीज़ उन्होंने भी यूज़ की हुई, आई थिंक फिजा अली दीवान ने, उन्होंने भी कहा था कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, अब इसके मॉइस्चराइज़र की बात कर लेते हैं। मॉइस्चराइज़र शिया बटर के साथ है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग देखें, वैसे सना आबिद और दूसरों के पास मैंने देखी है, इतना ही क्यूट सा स्टिकर लगा के बड़ी क्यूट चीज़ करके भेजते हैं। तो ये कहेंगे भी हम प्रोडक्ट तो आपको ऐसा ही भेजते हैं ना, पैकेजिंग ना हुई वैसी तो, पर ये बात वैसे सही नहीं है। लेकिन चले, ये जो मॉइस्चराइज़र है इसमें से टेलकम सी या तिब्बत क्रीम सी खुशबू आती है एक, और बड़ी जो है ना, मतलब मुझे इतना मॉइस्चराइज़र जो है ना इसका 50-50 लगा, मुझे कोई बहुत ही bomb.com नहीं लगा सर्दियों के लिए। मैं गर्मियों में इसको अप्लाई करती हूँ तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन सर्दियों के लिए ना मुझे फ़ौरन उसी वक्त मुझे अपने हाथ दोबारा से ड्राई फील होना शुरू हो जाते हैं, वो एक मॉइस्चराइज्ड वाली फीलिंग नहीं आती। तो इसमें मैं 50-50 हूँ मॉइस्चराइज़र में, मुझे कोई इतना वो नहीं अच्छा लगा। बाकी फेशियल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और बहुत ही ज़बरदस्त है फेशियल, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसका प्रोटीन हेयर मास्क भी और बहुत सारी चीज़ें फेमस है। तो जी, फेशियल बहुत ही ज़बरदस्त है और फेशियल आप ज़रूर इसका ये ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसका स्किन डीप का भी मैंने फेशियल देखा था तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम थी, इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत अच्छी है। और जार्स को भी ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैकेजिंग जो है ना, इन्होंने बहुत ही सेफली की हुई थी, डबल कैप है, साथ में इसका टेपिंग भी हुई हुई थी सारी। और ये जो है ना बस फेशियल, ये मेरा फेवरेट हो गया है और मैंने अपने काफ़ी सारे जो मेरे जानने वाले, मैंने उनको बताया था कि ये फेशियल आप यूज़ करके देखें, बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। और ये जो क्रीम है ये सबसे ज़बरदस्त है, ये मसाजिंग क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त है, फ्रेगरेंस भी बहुत ज़बरदस्त है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। और इसके साथ आप जो है ना लिम्फेटिक मसाज, तो इस फेशियल के साथ जब आप लिम्फेटिक मसाज करेंगे ना तो आपको और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था जी मेरा रिव्यू, फेशियल मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। फेशियल क्रीम, ये जो सॉरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना, जो शिया पर जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, उस पर मैं 50-50 हूँ, मुझे वो इतनी नहीं अच्छी लगी। और रोज़ क्ले मास्क तो आप बिल्कुल भी ना लेना, उसमें से पता नहीं क्यों फंगस उस पर आया, मुझे समझ नहीं आई उस चीज़ की। तो फेशियल आपने ज़रूर ट्राई करना है और ज़रूर मुझे फीडबैक देना है, और ज़रूर आप जब मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए। तो इसी के साथ मेरी वीडियो हो रही है एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ जब मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ और जब मैं इतना सारा वो देख रही होती हूँ कि हाँ ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो भी आनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।